डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट द यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स विच स्टार्ट विद डब्ल्यू एच। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आवर फर्स्ट वर्ड इज हु, जिसके मीनिंग है कौन। इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन। हु किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए क्वेश्चन के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर बेस्ट टीचर, आपका बेहतरीन उस्ताद कौन है। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने अमेरिका दरियाफ्त किया। हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसने ईजाद किया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेयर। वेयर, जिसके मीनिंग है कहाँ। इट इज यूज टू आस्क अबाउट ए प्लेस। किसी जगह के बारे में पूछने के लिए क्वेश्चन के स्टार्ट में हम वर्ड वेयर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर माई शूज, मेरे जूते कहाँ हैं। वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है। वेयर डू यू गो डेली, आप रोजाना कहाँ जाते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वैन। वैन, जिसके मीनिंग है कब। इट इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम। किसी भी क्वेश्चन के स्टार्ट में वर्ड व्हेन को इस्तेमाल किया जाता है जब हम टाइम के बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू द शॉप्स ओपन, दुकानें कब खुलती हैं। व्हेन इज हिज बर्थडे, उसकी सालगिरह कब है। व्हेन विल स्टार्ट आवर क्लास, हमारी क्लास कब शुरू होगी। व्हेन विल दे रीच एट होम, वो घर कब पहुंचेंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वाई। वाई, जिसके मीनिंग है क्यों। इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ रीजन। क्वेश्चन के शुरू में वर्ड वाई इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी रीजन के बारे में, किसी वजह के बारे में बात करने जा रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ही सो सैड टूडे, आज वो इतना उदास क्यों है। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। Why do you always come late? आप हमेशा देर से क्यों आते हैं। Why are they weeping? वो क्यों रो रहे हैं। Our next word is what? What, जिसके मीनिंग है क्या। It is used to ask about specific information. मखसूस मालूमात के बारे में पूछने के लिए हम क्वेश्चन के शुरू में वर्ड what इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। वाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। वाट इज हर फेवरेट कलर, उसका पसंदीदा रंग क्या है। वाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज विच, जिसके मीनिंग है कौन सा या कौन सी। इट इज यूज टू आस्क अबाउट अ चॉइस। किसी चीज के इंतखाब के बारे में बात करने के लिए हम क्वेश्चन के स्टार्ट में वर्ड विच इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर कार, आपकी कार कौन सी है। विच इज हर फेवरेट बुक, उसकी पसंदीदा किताब कौन सी है। विच इज योर टेबल, आपकी मेज कौन सी है। विच इज हिज लैपटॉप, उसका लैपटॉप कौन सा है। आवर लास्ट वर्ड इज हाउ। हाउ, जिसके मीनिंग है कैसा या कैसी। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द मैनर, मैथड और वे दैट समथिंग इज डन। यानी जब हम किसी मैनर के बारे में, किसी मैथड के बारे में, किसी अंदाज के बारे में, किसी तरीका के बारे में बात करने जा रहे हों तो हम क्वेश्चन के शुरू में वर्ड हाउ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हो।
हाउ वॉज द मील, खाना कैसा था। हाउ विल यू गो टू लाहौर, आप लाहौर कैसे जाएंगे। हाउ विल यू ओपन दिस डोर, आप ये दरवाज़ा कैसे खोलेंगे।